दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ नया और कुछ लेटेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, किस तरह से शादीशुदा औरत को आप आसानी से अपने वश में कर सकते हो या फिर कैसे आप आसानी से उन्हें पटा सकते हो। तो सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, जिसे जानने के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, उनके घर में किसी से दोस्ती कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है कि जिस भी शादीशुदा औरत को आप पसंद करते हो या जिसे भी आप पटाना चाहते हो, उनके घर के किसी भी व्यक्ति के साथ आप दोस्ती कर लीजिए या फिर उनके साथ किसी ना किसी बहाने से अपना व्यवहार अच्छा बना लीजिए। आप यूँ घर पर बैठकर उनके सपने लेते रहेंगे तो कुछ काम नहीं बनने वाला और औरत को पता भी नहीं चलेगा कि आप उन्हें पसंद करते हो। शायद आपको वो औरत पहचानती भी नहीं होंगी, इसलिए उनके घर के किसी व्यक्ति के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार बनाइए या फिर दोस्ती कर लीजिए, जिससे आपका उनके घर पर आना जाना हो सके। जब आप उनके घर रोजाना आओगे जाओगे तो औरत की आप पर नज़र ज़रूर पड़ेगी कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपका व्यवहार कैसा है, यह सब आसानी से जान लेगी वो। नंबर दो, जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, जब आपका उनके घर में आना जाना शुरू हो जाए तो कुछ दिन ऐसा ही चलने दीजिए। उनके तरफ नॉर्मली देखते रहिए, उन्हें कभी कभी स्माइल पास करिए और दोस्तों, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना है। फिर शुरुआत में कुछ ना कुछ बहाने से उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ पूछिए, किसी तरह से उनसे बातचीत स्टार्ट कर दीजिए। कुछ दिन नॉर्मली उनसे बात कीजिए, थोड़ी थोड़ी हंसी मजाक भी करते रहिए। फिर आप देखिए कि औरत आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर औरत आपको बार बार देख रही है, आपको देखते ही मुस्कुरा रही है या फिर आपसे बात करने के लिए बेचैन हो रही है, तो समझ लीजिए औरत भी आप में इंटरेस्टेड है। नंबर तीन, बात आगे बढ़ाइए। दोस्तों, जब आप दोनों में इतना सब कुछ होने लगे तो आपको उनसे घंटों घंटों बात नहीं करना है। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप ज़्यादा बातें कर पाओ। ऐसा करोगे तो सब आप पर शक करना शुरू कर देंगे, इसलिए उनसे उनके घर पर ज़्यादा बात करना अच्छी बात नहीं है। और जब आप में ज़्यादा बातें नहीं होगी तो आप एक दूसरे को समझोगे कैसे। इसलिए कभी भी जब आप बाहर फेस टू फेस मिलो तो उनसे उनका मोबाइल नंबर मांग लीजिए। फिर उनसे पूछिए कि आप फ्री कब रहती हो। जब वो फ्री हो तब उन्हें कॉल करिए। फिर कुछ दिनों तक फ़ोन पर बात करते रहिए, मजाक मस्ती करते रहिए। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें मिलने को कहिए, वह ज़रूर हाँ करेगी। और वह मना कर देती है तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि कुछ दिन तक आपको उनसे बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी बंद कर देना है और उनके घर भी आना जाना बंद कर देना है। वो कितना भी कॉल करे, आपको कॉल नहीं उठाना है, आपको फिर से कॉल नहीं करना है। फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि मैंने क्या गलती कर दी, शायद मुझे मना नहीं करना था। फिर वो आसानी से आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाएगी और एक बार मिलने के बाद आप अपना रिलेशन आगे बनाए रख सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी सब वीडियो देख लीजिए, अगर आप किसी औरत को पटाना चाहते हो तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।